राहुल खड़े रहे खड़े रहे, कैसा है तू? बहुत अच्छा हो गया। कितना मोटा हो गया तू? हाँ सारी चाय खुद पी जाता है? नहीं। क्या ले तेरा? बहुत अच्छा हो। माता कैसी है? मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक है, खाना वाना बनाती है मेरे लिए। क्या बात कर रहे है, कभी मेरे लिए भी भेज। हाँ इसका इलाज करवा रहा है ना, डॉक्टर के पास जा रहा है ना? हाँ भैया। अरे वो देखो राहुल भैया। अरे वो तो राहुल भैया है। और मोटे एक मिनट। ठीक है भैया। हाँ इमरान। अरे आप तो भाभी है ना, मैंने आपका पिक्चर देखा है भैया के साथ। हाँ लेकिन आप कौन है और आपके भैया ने मुझे आपके बारे में कभी नहीं बताया। मेरा नाम महेश है, लेकिन भैया मुझे प्यार से टिंगू बुलाते, वो मेरे अच्छे दोस्त है। आप भैया से कैसे मिले? वो पहले ना मैं इस रास्ते पे भीख मांगता था, एक दिन भैया ने मुझे देखा और कान खींच के गाड़ी में बिठा लिया और मुझे डांटा कि तुम यहाँ भीख क्यों मांग रहे हो। तो मैंने भैया को बोला कि भैया मेरे पापा गुजर गए, हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारा घर कैसे चलेगा, इसलिए मुझे और मेरी माँ को भीख मांगनी पड़ती है। और क्या है ना, मेरा बचपन में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरा पैर चला गया था, तो भैया ने मुझे सीधा रात के स्कूल में डलवा दिया और एक चाय का धंधा खुलवा दिया और उन्होंने कहा कि भीख मांगी नहीं, काम करके अपना घर चला। सच में भाभी भैया बहुत अच्छे और जब भी यहाँ से गुजरते तो मुझे टॉफी या चॉकलेट दे के ही जाते हैं। उन्होंने मेरे माँ का इलाज भी करवाया। भैया बहुत अच्छे, अपने हमेशा खुश रखना और उनका हमेशा ख्याल रखना। राहुल तुमने बिना जान पहचान के महेश की इतनी मदद की, तुम्हारा ये चेहरा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरी गलतियां गिननी बंद करोगी तो ही कुछ ऐसा दिखेगा ना, हमेशा तो मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन में घुसी रहती हूँ, फुल फ्लेज्ड। एनीवे मुझे तुम्हारे से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं, और हाँ मुझे बहस भी नहीं करनी क्योंकि आजकल हम बात कम और बहस ज्यादा करते हैं। लेट्स जस्ट बी ओके।